नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। बिहार के गया में एडिशनल एसपी मनीष कुमार ने की प्रेस वार्ता। गया एडिशनल एसपी ने कहा, छात्र के मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। तमाम रिपोर्ट के आधार पर एम्स के विशेषज्ञ चिकित्सा से राय मांगी गई है। जब तक मौत का सबूत नहीं मिलता तब तक नामजद आरोपित शिक्षक को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। छात्र के पोस्टमार्टम FSL पटना और कोलकाता की रिपोर्ट पुलिस ने न्यायालय में समर्पित कर दी है। जैसे ही पुलिस को साक्ष्य मिलेगा आगे की कार्यवाही की जाएगी। गया संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। इसको मृत्यु का कारण जो चिकित्सक जो किए थे यहाँ पोस्टमार्टम कहाँ से, और पोस्टमार्टम तो यही हुआ है और विशेषज्ञ रिपोर्ट जो जांच रिपोर्ट आई है पटना से, उसके आधार पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला है। उसमें मृत्यु का कारण ये बताया गया है। पुनः जो पोस्टमार्टम के विशेषज्ञ हम लोगों ने भेजा कलकत्ता जो भेजा गया, उसमें बचा हुआ कुछ मिश्रा का पार्ट जो है उसको कलकत्ता भेजा गया। तो उस मिश्रा में कोई टॉक्सिक मटेरियल नहीं पाया गया, या मतलब कोई पॉइजनस सब्सटेंस नहीं पाया गया। इसरा में इतना ही चीज़ देता है। तो इसके बाद जो है ना, हम लोगों ने मृत्यु के कारण के लिए एम्स में लिखा हुआ है, हमारे एम्स अनुसंधान करता जा रहे हैं इसके HOD फॉरेंसिक मेडिसिन से निकल लेने के लिए। ठीक है, अभी यही स्थिति है। इसी रिपोर्ट में ऐसा स्पष्ट नहीं किया गया है कि मारपीट से ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं रहे, क्योंकि ऑफिशियली हम लोगों की तरफ से तो ऐसा कोई वर्जन नहीं आया है और चीज़ें पेपर में आ जा रही हैं, तो इसलिए हमको लगा कि ये क्लियर कर देना बेहतर होगा। परिजन बता रहे हैं जो रिपोर्ट आई है उसको सार्वजनिक कर दिया जाए। उसको अभी आपको मैं सार्वजनिक कर देता हूँ। उसको सार्वजनिक कर दिया जाए।